हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको जो हमारी हिंदी की दूसरी बुक है वितान, उसके पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हम चलते हैं हम वीडियो की तरफ और वीडियो को आप पूरी देखेंगे और कुछ बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इसमें वीडियो में बताई जाएंगी। तो देखिए, पहला चैप्टर है हमारा भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जो कुमार गंधर्व द्वारा लिखित है। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है, एक तो गानपन का अर्थ बताना है हमें, और फिर दूसरा क्या है कि किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता होती है, मतलब प्रैक्टिस कैसी चाहिए हमें उसे प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, पहला बन गया क्वेश्चन, गानपन का अर्थ दिया पहले हमने। तो गानपन का अर्थ है गाने में प्राप्त होने वाली मिठास और मस्ती। केवल एक नंबर का क्वेश्चन आया कि गानपन का क्या अर्थ होता है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे गाने में प्राप्त होने वाले मिठास और मस्ती। उसके बाद है, प्राप्त करने के लिए क्या अभ्यास करना चाहिए, किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इसके लिए गाने के आघात, लोच और सुलभता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। कि किसकी आवश्यकता हुई, कि आघात, लोच और सुलभता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। श्रोताओं को आनंदित करने के लिए स्वर, लय और अर्थ का उचित तालमेल बैठाना चाहिए। तीसरा पॉइंट हो गया, शास्त्रीय रागों की शुद्धता पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर लास्ट हो गया, नीरसता से बचना चाहिए। इस तरीके से हम पॉइंट में भी करके लिख सकते हैं फिर इसको। तो अगर केवल एक नंबर का आएगा तो केवल हम उसी हिसाब से जो है एक्सप्लेन करेंगे, और अगर हमारा ये दो ढाई तीन नंबर में आता है तो हम इसे बड़ा करके लिखेंगे क्वेश्चन के आंसर को। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने लता की गायिका की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी की कौन सी विशेषताएं नज़र आती हैं, उदाहरण सहित बताइए। देखिए, उदाहरण भी देना है साथ में, कौन कौन सी विशेषताओं को उजागर किया। देखिए, लेखक ने लता की गायकी की निम्नलिखित विशेषताओं को उजागर किया है। अगर केवल यही पूछा जाए कि लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को, तो केवल हमें विशेषताएं बतानी है, और जो है उदाहरण सहित है तो उनके अंदर हमें एक्सप्लेन भी करना होता है। जैसे पहला हो गया सुरीलापन, दूसरा हो गया कोमलता और निर्मलता, फिर शास्त्र शुद्धता तथा मधुरता का संगम। अगर कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो केवल हमें एक ही पॉइंट देना होता है और उसे को ही एक्सप्लेन करना होगा। तो देखिए, पहला है सुरीलापन। लता की गायकी की सबसे बड़ी विशेषता है उसका सुरीलापन। उनके स्वर में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्ती, लोच, कोमलता और मुग्धता है। उनका उच्चारण मधुर गूंज से परिपूर्ण रहता है। उनके दो शब्दों के बीच भी एक प्रकार की मधुर गूंज रहती है, जिसके कारण वे शब्द एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। तो अधिकतर एक पॉइंट पूछ लिया जाता है एक नंबर के क्वेश्चन में, तो जैसे हमने सुरीलापन दिया तो उसके अंदर हम इस तरीके से लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कोमलता और निर्मलता। लता के गायन में कोमलता और निर्मलता का पुट अधिक होता है। उनके जीवन और विचारों की प्रवृत्ति उनके गायन में भी घुल गई प्रतीत होती है। वे करुण और श्रृंगार जैसे कोमल भावों वाले गीतों की गायिका रही हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ गया शास्त्र शुद्धता तथा मधुरता का संगम। अब देखिए, लता का शास्त्रीय दृष्टि से शुद्ध होता है, जो है लता का गायन शास्त्रीय दृष्टि से शुद्ध होता है। वे स्वयं शास्त्रीय संगीत जानती हैं, इसलिए उनके गीतों में शास्त्रीय आधार बराबर बना रहता है। चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए वे मधुरता और शास्त्रीयता को मेल करके चलती हैं। फिर देखिए, इसमें क्या था नेक्स्ट, हमारी दृष्टि से लता के स्वर में जो पवित्रता और तल्लीनता है वे अन्य किसी में नहीं है। हो गया आपको क्लियर कि अगर हमें केवल विशेषताएं पूछेंगे तो विशेषताओं के पॉइंट देने हैं, और कोई एक पूछेंगे तो कोई भी एक पॉइंट देकर उसके अंदर करना है हमें एक नंबर में, और अगर जो है ये हमें दो ढाई तीन नंबर तक में आता है तो हमें तीनों पॉइंट देने हैं, दो नंबर में आएगा तो हमें दो पॉइंट देने हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने में वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक
सहमत है। लता उत्तर है इसका। देखिए, लता के बारे में यह कथन अधूरा सकते हैं। कि क्या कथन था? कि जो है कि उन्होंने श्रृंगार रस को अच्छे तरीके से गाया है, करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है। तो कहाँ तक हम लोग सहमत हैं, अपने विचार भी देने हैं। तो जो है अधूरा सत्य है, लता ने करुण रस के गाने भी पूरी उत्कटता से गाए हैं। ए मेरे वतन के लोगों, करुण रस का गीत है, इस गीत ने देशवासियों की आंखों में आंसू ला दिए। इसी प्रकार ओ बाबुल प्यारे गीत में करुणा की नदी बहती जान पड़ती है। तो इसमें हमने क्या किया कि दो उदाहरण भी दिए और बता दिए। इन दोनों गीतों में पूर्णता, निर्दोषता तथा मार्मिकता है। ये गीत उनके श्रृंगारिक गीतों से किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। यह एक अलग बात है कि उनके श्रृंगारिक गीत भी बहुत मधुर, मोहक तथा मनोरम होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अधिक कई बार एग्ज़ाम में आ भी जाता है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत का क्षेत्र भी विस्तीर्ण है, मतलब बहुत बड़ा है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर, संगीत में बहुत संभावनाएं छिपी हुई हैं। यह क्षेत्र बहुत व्यापक है, मतलब बहुत बड़ा है। इसमें बहुत सी धुनें, बहुत से राग और स्वर अनछुए रह गए हैं। बहुत से सुधार संस्कार होने अभी बाकी शेष हैं। अभी ऐसे ऐसे नए प्रयोग होने शेष हैं जिनकी ओर किसी की दृष्टि नहीं गई। हमारा सिनेमा अपनी ओर से नए नए प्रयोग कर रहा है। वर्तमान हिंदी फिल्मों के संगीत को देखें तो यह बात अधूरी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। रोज़ नई धुनें, नए प्रयोग और नए स्वर सुनने को मिल रहे हैं। देखिए, आप खुद भी जानते हैं कि इस समय हर चीज़ नए नए प्रयोग हो रहे हैं संगीत में। नई नई धुनें मिलती हैं, नए नए आवाज़ें सुनने को हमें मिल रही हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जाता है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। तो देखिए, कुमार गंधर्व चैप्टर में से कुमार गंधर्व की राय लिखनी है और फिर साथ में हमें अपनी राय भी देनी है। तो देखिए उत्तर, कुमार गंधर्व इस आरोप से सहमत नहीं है कि सिनेमा ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। उनके अनुसार चित्रपट संगीत से लोगों की संगीत रुचि में सुधार भी आया है। कुमार गंधर्व की क्या राय है कि वो सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि इससे जो है लोगों में संगीत रुचि ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा लोग अब संगीत सुनने लगे हैं। अब लोग पहले की तुलना में अधिक लय तान के साथ गाने लगे हैं। इस सुधार संस्कार में चित्रपट संगीत का बड़ा योगदान है। कि वो कह रहे हैं कि अब लोग बहुत अच्छी तरीके से लय में गाने लगे हैं। और फिर यहाँ पे देखिए, फिर हमें उन्होंने कहा था कि अपनी राय भी लिखें, तो अपनी राय भी लिखनी है। मेरे विचार से लोगों ने पहले की तुलना में लय ताल के साथ सह स्वर गाना शुरू किया है, यह बात ठीक है। तो इसी में से ही हमने एक पॉइंट निकाल लिया कि लोग जो है अब पहले के मुकाबले ज़्यादा अधिक लय में और ताल में गाने लगे हैं, लय और ताल में गाने लगे हैं, तो जो है ये बात ठीक है। अगर केवल कुमार, इसमें से क्वेश्चन केवल एक नंबर का है तो केवल कुमार गंधर्व के बारे में आएगा, तो कुमार गंधर्व की राय देनी है, और अपनी राय मांगी जाएगी तो केवल अपनी राय देनी है, नहीं तो दोनों का दो नंबर में, तीन नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। तो अब देखिए नेक्स्ट है, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की संबंध में क्या राय है? स्वयं आप क्या सोचते हैं? अब इसका उत्तर है, देखिए किसकी फिर वही होगी कि कुमार गंधर्व की राय, फिर आपकी खुद की राय। तो कुमार गंधर्व के अनुसार चाहे चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत, सबका मूल आधार होना चाहिए। वो कह रहे हैं चाहे कोई भी संगीत हो, चाहे चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय हो, दोनों का मूल आधार होना चाहिए रंजकता। देखा यह जाना चाहिए कि यह संगीत आम लोगों का मनोरंजन कर पाने में कितना समर्थ है, कि जो आम लोग हैं जो उसे सुन रहे हैं वो कितना अधिक सुनते हैं उसको और कितना अधिक उसमें मनोरंजन लेते हैं, उसमें कितनी मस्ती, तन्मयता और मधुरता है। मैं लेखक के मत से पूरी तरह सहमत हूँ, हमने अपनी राय दे दी कि मैं लेखक के मत से पूरी तरह सहमत हूँ। अच्छे गायन में मधुरता और
तन्मयता का गुण सर्वोपरि होना चाहिए, कि मधुरता होनी चाहिए और तन्मयता लोग सुनते उसमें मग्न हो जाएं, ये तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व ने लिखा है चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, क्या शास्त्रीय गायकों को चित्रपट संगीत से कुछ सीखना चाहिए, कक्षा में विचार विमर्श करें। देखिए क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में नहीं आता है लेकिन फिर भी आपको जो है थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए उत्तर है जी हाँ, शास्त्रीय गायकों को चित्रपट संगीत से लोकप्रियता के गुण सीखने चाहिए, कि जो है शास्त्रीय गायकों को जो है इतनी लोकप्रियता नहीं मिलती है जितनी कि फिल्मी गानों को लोकप्रियता मिलती है। चित्रपट संगीत की मधुरता, लोच, सुरीलापन, सरलता ऐसे गुण हैं जिन्हें शास्त्रीय संगीत गायकों को अवश्य अपनाना चाहिए, कि ये गुण है कौन से गुण हैं जो है मधुरता है, लोच है, सुरीलापन है और सरलता, ये गुण हैं जिनको जो है वो कह रहा है कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि जो शास्त्रीय संगीत गायकों को अपनाने चाहिए। इसमें देखिए जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जो है अधिकतर एग्ज़ाम में आते भी हैं, तो आशा है आप लोगों को वीडियो क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और कुछ चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट बताई गई हैं उसको ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी करेंगे और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप वीडियो को पूरी सुनिएगा जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छी